तो जैसे कि आपको पता ही है, इस ई रिक्शा पे मैं 160 AH का बैटरी का कनेक्शन किया था। और मैं आप सबको बता दूँ, ये ई रिक्शा दिन भर चलने के बाद अभी इस ई रिक्शा पे वोल्टेज शो हो रहा है 49.7 वोल्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास 4 बैटरी रखा हुआ है और ये बैटरी हमारा ईस्टमैन कंपनी का है और ये बैटरी 160 AH का है। आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को ये बैटरी ई रिक्शा पे कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये बैटरी आप अगर आपके ई रिक्शा के लिए ख़रीदते हैं तो फिर आगे चल के आपको कितना माइलेज मिलने वाला है। ये बैटरी अगर आप आपके ई रिक्शा के लिए खरीदते हैं तो फिर आपको काफ़ी सारा फायदा मिलने वाला है। एक एक करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो पे कि आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। इसीलिए आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर वॉच कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोपाल। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक ही बात बोलेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने 4 बैटरी रखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्टमैन सुपर प्रीमियम क्वालिटी के साथ ये बैटरी आता है। और मैं आप सबको बता दूँ, ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी हमारा 24 मंथ यानी 2 साल का वारंटी पे आता है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा ट्यूबलर लॉन्ग लाइफ टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और ये बैटरी का जो कैपेसिटी है ये हमारा 160 AH का है। ये बैटरी ख़रीदने से जो फ़ायदा आपको मिलने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो की आगे बताने वाला हूँ। मार्केट पे तो बहुत सारा बैटरी मिल जाता है, लेकिन भरोसा के साथ साथ विश्वास की बात अगर करूँ तो आपको ईस्टमैन कंपनी ही देता है। ईस्टमैन एक ब्रांड होने के वजह से ईस्टमैन अपने क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं आप सबको एक एक करके दिखाने वाला हूँ कि ये जो बैटरी का पैकिंग है ना, ये कितना अच्छे तरीके से करके भेजा है ताकि डैमेज वगैरह ना हो। और ये जो बैटरी का डिज़ाइन है ना, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस ई रिक्शा पे कौन सा कंपनी का बैटरी लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक है हमारा एस्ट्रोल कंपनी का और ये जो है ये हमारा लिपगार्ड का, मतलब 2 अलग अलग बैटरी है। और पीछे में जो 2 बैटरी है इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में ये हमारा एमरॉन कंपनी का बैटरी है और ये जो रेड कलर का है ये हमारा एस्ट्रोल कंपनी का है। इस ई रिक्शा पे अलग अलग कंपनी का अलग अलग बैटरी इस ई रिक्शा पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो पुराना बैटरी है ये सब मैं निकालने वाला हूँ और उसके बाद हमारे पास जो ईस्टमैन कंपनी का 160 AH का बैटरी है, इस बैटरी को इस ई रिक्शा पे कनेक्शन करने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से पुराना बैटरी को निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो 4 बैटरी है ये बैटरी को मैं बॉक्स से निकाल दिया हूँ और ये बैटरी को अभी मैं इस ई रिक्शा पे कनेक्शन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बैटरी को ई रिक्शा पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं आप सबको बताया था कि इस बैटरी को आप अगर आपके ई रिक्शा के लिए ख़रीदते हैं तो फिर आपको आगे चल के काफ़ी सारा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये बैटरी पे हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है और इस वाटर लेवल इंडिकेटर के ज़रिए आपको बैटरी का ढक्कन निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाहर से ही देख सकते हैं इस बैटरी के अंदर में पानी कम है या फिर ज़्यादा है। काफ़ी सारा लोगों को पता नहीं होता है, बैटरी पे पानी ज़्यादा डालने के वजह से ई रिक्शा का जो माइलेज है वो घटने लग जाता है। बैटरी ख़रीदने से आपको पानी डालने के समय टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि इस बैटरी पे वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है। इस वाटर लेवल इंडिकेटर के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेल में कितना पानी डालना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी का फाइनल कनेक्शन मेरा हो चुका है। और मैं आप सबको बता दूँ, आप जब भी बैटरी का कनेक्शन करते हैं उस टाइम पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान में रखना जरूरी है। तो आप लोगों ने देखा, ये बैटरी का कनेक्शन करते करते अंधेरा हो चुका है। अभी ये ई रिक्शा एक हफ्ता चलाने के बाद फिर मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस ई रिक्शा पे ये बैटरी लगाने के बाद कितना माइलेज मिलने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है, इस ई रिक्शा पे मैं बैटरी को लगाया था, जो कि हमारा ईस्टमैन 160 AH का बैटरी है। और ये ई रिक्शा पे लगाए हुआ करीब एक हफ्ता हो चुका है। तो आप मुझे बताइए कि इस ई रिक्शा से आपको माइलेज कैसा मिल रहा है? बैटरी लगाने पर हमें खूब भलो लगे, एक सप्ताह तो बैटरी के लगाई लगाने पर हमें आगे बैटरी छो से बैटरी भलो आरो ना हमें दिन तीन बार दिन मध्य चार्ज दीते लगते আর একটা ব্যাটারি লাগানোর পরে 150 কিলোমিটার কমসে কম আমি যেতে পারছি। আর ব্যাটারিটা ভালো লাগছে আমার কাছে, কিন্তু ব্যাটারিটা খুব স্পেশাল আছে, আর ব্যাটারিটা ভালো আছে। আর আমি ব্যাটারিটা লাগানোর পরে আমি ভাড়া মেরে খুব আরাম পাচ্ছি। तो यहाँ पे आप इस बैटरी का MRP देख सकते हैं, 18,014 रुपये है। और मैं आप सबको बता दूँ, आप अगर ये बैटरी को ख़रीदना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं।